सहित राज्य के कई हिस्सों में दलितों पर जो अत्याचार हुआ, जिस तरीके से शासन ने उनके ऊपर अत्याचार को संरक्षण दिया है, जिस प्रकार से कुछ महिलाएं बलात्कार की शिकार हुई जो दलित वर्ग की थी और उनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया, जिस तरीके से जो निर्दोष जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे उन लोगों के ऊपर मुकदमे लगा दिए जा रहे हैं, एक आतंक का वातावरण उन सामाजिक कार्यकर्ताओं में जो इस अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो सत्ता के अन्याय के खिलाफ और लोगों के अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं और सरकार निरंतर हृदयहीनता दिखा रही है। कांग्रेस का डेलीगेशन जाता है, मांगे करता है, मुख्यमंत्री हामी भरते हैं, जनजाति अनुसूचित जाति आयोग आता है, वो कुछ वादे करके जाता है, किसी पर भी अमल नहीं होता है। अमल होना तो दूर रहा, जो एक मानवीय कर्तव्य था, जो एक परंपरागत तौर पर यदि कहीं कोई व्यक्ति एक्सीडेंट का भी शिकार होता है, मरता है, यहाँ तो हत्या हुई है, यहाँ तो मुआवजा मिलना चाहिए था, लेकिन जो ऐसे भी एक्सीडेंट का शिकार होता है उसको भी शासन मदद करता है और यहाँ पीड़ित परिवार असहाय हैं, कोई कमाने वाला नहीं है, बाप रो रहा है, पत्नी रो रही है, बच्चे कैसे पालें इसका सवाल है और राज्य सरकार केंद्र सरकार एक पैसा भी मदद के तौर पर नहीं दे रही है। एक दोहरे मापदंड राज्य के अंदर, एक तरफ दलित वर्ग के लिए और दूसरे मापदंड दूसरे लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं। ये सबसे आक्रोशित लोग आज राज्य के कोने कोने से यहाँ पर आए और ये इस बात से भी आक्रोशित हैं कि आप आरक्षित पदों को भी नहीं भर रहे हैं, बड़ी संख्या में आरक्षित पद खाली हैं। और भी बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे शिल्पकार वर्ग के दलित वर्ग के हैं, आप उन सवालों का कोई समाधान नहीं निकाल रहे हैं, उनको लटकाने का काम कर रहे हैं, निरंतर अत्याचार की पराकाष्ठा है। आपने जहां आरक्षण को निष्प्रभावी करने के लिए केंद्र सरकार ने न केवल सरकारी नौकरियों में पद खाली पड़े हैं उनको भर नहीं रहे हैं, बल्कि जो पब्लिक सेक्टर था जिसमें बड़ी संख्या में लोग नौकरी पर लगते थे, आरक्षित वर्ग को भी उसमें नौकरी मिलती थी, आज वो पब्लिक सेक्टर को बंद कर दिया गया है, उसको बेचा जा रहा है पूंजीपतियों के हाथ में ताकि न बांस रहे न बांसुरी बजे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हमारा कमज़ोर समाज जो है उद्वेलित है, दलित वर्ग उद्वेलित है और हम उनके साथ खड़े हैं, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। कल हमने मानवता के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युग पुरुष महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, उनको याद किया उनके जन्मदिन पर, लोगों को बधाइयाँ दी उनके जन्मदिन पर, लेकिन आज महात्मा जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर तीनों के सिद्धांतों को चकनाचूर किया जा रहा है, रौंदा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, संविधान को निष्प्रभावी बनाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हैं जिनके खिलाफ जो है ये हमारे सब लोग आए हैं, प्रबुद्ध समाज आया है और पहली बार मुझको इतने स्पष्ट तौर पर इतने बड़े पैमाने पर आक्रोश व्यक्त करने के लिए दलित वर्ग के लोग आए हैं यहाँ पर। और मैं समझता हूँ ये सरकार के लिए ये खतरे की घंटी है, ये चेतें और जहाँ जहाँ इस तरीके की घटनाएं हैं उन पर शीघ्र न्याय दें, बेलड़ा पर न्याय दें लोगों को और साथ साथ जो है जो पद रिक्त पड़े हुए हैं उनको भरने का काम करें।